नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलो नजर डालते हैं आज के कुछ बड़ी खबर। गोंदिया जबलपुर ब्रांड गेज निर्माण कार्य 2 वर्ष से पूर्ण हो चुका है और जबलपुर गोंदिया रेलवे लाइन अनेकों मालगाड़ियां और एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस चेन्नई से गया रेलगाड़ी सप्ताह में सिर्फ एक दिन आती है, जिसमें यात्री को पहले से ही रिजर्वेशन कराना होता है तभी यात्रा कर सकते हैं। और यह ट्रेन सुपर फास्ट एक्सप्रेस होने के कारण केवल जबलपुर नैनपुर बालाघाट जंक्शन पर ही रुकती है। जिले की आम जनता को रेल सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज जिले की जनता रेल सुविधा के अभाव में बालाघाट नैनपुर जबलपुर गोंदिया तक आवागमन करने के लिए जनता को मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे कि बस संचालकों द्वारा यात्री किराया बढ़ा दिया गया है। परंतु बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधि प्रशासन कोरोना काल का हवाला देकर जनता की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर लोकल या डेमो ट्रेन शुरू करवाने में असफल भी दिखाई दे रहे हैं। इससे आम जनता काफी परेशान है। जनता की समस्या को देखते हुए ब्रांड गेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बेस के निर्देशानुसार चांगो टोला ब्रांड गेज संघर्ष समिति के सदस्य अभय मोदी व प्रमोद ठाकरे के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन नगरवाड़ा स्टेशन मास्टर को रेल मंत्री पीयूष गोयल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मंडला नैनपुर जबलपुर बालाघाट कटंगी तिरोडी नागपुर गोंदिया के मध्य डेमो लोकल ट्रेनों का संचालन 2/10/2021 गांधी जयंती तक किया जाए। अनिता ब्रांड गेज संघर्ष समिति चरणबद्ध आंदोलन करेगी। ज्ञापन सौंपते समय चंद्रशेखर हिरणखेड़े ओम प्रकाश ठाकरे बाबू शाह शैलेश पवार भोला देशराज राशि कुर्वती संदीप अवधिया मुस्तफा शाह व दर्जनों ब्रांड गेज संघर्ष समिति के सदस्य इस दौरान उपस्थित रहे। राम प्याली से ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आज चांगुटोला ब्रांड गेज संघर्ष समिति के माध्यम से और हमारे सभी क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों के माध्यम से हमारे ब्रांड गेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस जी के निर्देश पर समस्त महाकौशल में जहाँ जहाँ पर लोकल ट्रेनें और जो ट्रेनें नहीं चल रही हैं उनको लेकर के आज एक ज्ञापन स्टेशन मास्टर नगरवाड़ा अधीक्षक को दिया गया। और हमारी ये मांग है कि आज कोरोना खत्म होने की कगार में है, सभी जगह रैलियाँ निकल रही हैं, बसें चालू हैं, आवागमन के सारे संसाधन चालू हैं, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि सिर्फ ट्रेन ही बंद है? आज अमान परिवर्तन गोंदिया से बालाघाट के बीच में पिछले 1 वर्ष से कंप्लीट है, CRS निरीक्षण भी हो चुका है, उसके बावजूद किसी भी प्रकार की कोई भी लोकल ट्रेनें नहीं चलाई जा रही शासन की ओर से। आज हमने अपने साथियों के साथ स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपे हैं और उनसे मांग किए हैं कम से कम एक लोकल ट्रेन तो चालू करें, ताकि हमारी जो गरीब और मध्यम वर्ग की जो जनता है